तो आइए महुवाल अनीता जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। जय माँ शारदे। मंच को प्रणाम करती हूँ और मेरे पीछे बैठे विशेष कवित्री और कवियों को मेरा विशेष तौर पर नमन, और आप सबकी सब श्रोताओं को मेरा विशेष तौर पर नमन। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत उत्साहित होकर सुन रहे हैं हर लाइन पर और समझकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका जो उत्साहित होता है वो हमें लेखनी हमारी लेखनी को बढ़ाता है, और मुझे ऐसे श्रोताएं मिले हैं, मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि कतार बहुत लंबी है। मैं 2-3 मुक्तक पढ़ूंगी और अपना एक छोटा सा गीत पढ़ूंगी, 4 पंक्तियों से आपको समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। मैं नन्ही सी प्यारी सी सौगात लाई हूँ, मैं नन्ही सी प्यारी सी सौगात लाई हूँ, अपने वतन की एक निराली बात लाई हूँ, अपने वतन की एक निराली बात लाई हूँ। चाहत की एक दुनिया से बांध दुपट्टे में, चाहत की एक दुनिया से बांध दुपट्टे में, मैं प्यार के प्यारे रंग बेशुमार लाई हूँ। चार पंक्तियाँ आपको समर्पित करूंगी। स्वागत है स्वागत। मैं जो लिखती हूँ मैं बहुत सरल लिखती हूँ, और किसी को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं क्या सुना रही हूँ। आप निश्चिंत होकर आराम से सुनिएगा और उत्साहित अपना दिखाते रहिएगा। 4 पंक्तियां समर्पित करके सुनिएगा। मैं प्रेम दीवानी, मैं तो तेरी मेरी हमदम जीरा। वाह वाह वाह। प्रेम दीवानी, मैं तो तेरी मेरी हमदम जीरा। दिल की कहानी, मैं तो तेरी तू मेरा है हीरा। वाह वाह वाह। लाख रचाई होंगी तूने गोपी के संग लीला। लाख रचाई होंगी तूने गोपी के संग लीला, पर मेरी जैसी तुझको ना मिलेगी कभी मेरा। पर मेरी जैसी तुझको ना मिलेगी कभी मेरा। दिल की कहानी, मैं तो तेरी तू मेरा है हीरा। बहुत 4 पंक्तियां और समर्पित करती हूँ। स्वागत है स्वागत है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे बुलाया और 4 पंक्तियां इन्हीं को ही समर्पित करती हूँ। छोटी हूँ आपसे बहुत, लेकिन आपका बहुत सम्मान करती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो, और अच्छा लगेगा मुझे सुनाने में। और दिन सुनहरा भी हंसी शाम हो लिया। वाह वाह वाह। दिन सुनहरा भी हंसी शाम हो लिया, तूने हाथों में हाथ मेरा थाम जो लिया। वाह। मैं भी पावन हुई जैसे कि गंगा जल, मैं भी पावन हुई जैसे कि गंगा जल। होठों से तूने मेरे
तेरा नाम जोड़ा, होठों से मेरा नाम जो लिया। सोचा नहीं था इतना प्यार मिलेगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। एक पुस्तक और सुनाती और अपना गीत शुरू करूंगी। स्वागत है। हमें बात दिल की बता करके देखो, हमें बात दिल की बता करके देखो, मोहब्बत के तुम भी खता करके देखो, कि नजरों से दिल में समा जाएंगे हम, कि नजरों से दिल में समा जाएंगे हम, कि नजरों से दिल में समा जाएंगे हम, कि पलकों को थोड़ा उठा करके देखो, कि पलकों को थोड़ा उठा करके देखो। अब अपना मैं गीत शुरू करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। प्रतिनिधित्व नहीं सर, एकदम कहिए कि अपोजिट बैठी हुई है और दुआ ले रही है। और समझो अभी तो हमने एक को उतारा नहीं है, अभी तो मंच तुम्हारा आधा हो जाता तो वो झुका लेंगे। आपकी अगर इजाजत तो गीत पढ़ो। स्वागत स्वागत। यहाँ पर नारी शक्ति बैठी है, मैं उनका विशेष तौर पे प्रणाम करती हूँ। और ये गीत मैं जो सुनाने जा रही हूँ बहुत सरल है। और ये गीत मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि हमारे देश में आज भी ऐसी स्थिति बनी है जहाँ नारी के लिए बहुत सोचा जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है, बेटियों के लिए बहुत कुछ, कहीं कहीं ऐसी बहुत सी जगह हैं, छोटी छोटी जगह हैं जहाँ अभी भी नारी को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इस पर एक छोटा सा गीत लिखा है मैंने, सुनिएगा। और इस गीत को सुनाने के लिए मैं भूमिका नहीं बांधूंगी, दो पंक्तियों में अपनी बात कहूंगी कि घर भर की रौनक होती है बेटियां, दुख में शरीक ये होती है बेटियां। अब आपको मेरी पंक्ति से पता लग गया होगा कि बेटी क्या चीज है। और अब मेरे गीत में देखिएगा, ये मुखड़ा सुनाती हूँ। ओ अम्मी ओ बाबा, आ जाने दो मुझे दुनिया में। ओ अम्मी ओ बाबा, आ जाने दो मुझे दुनिया में। क्या बात है। कुछ पढ़ कर कुछ बन कर छा जाने दो मुझे दुनिया में। वाह वाह वाह। बेटी हूँ ये पता चला, बेटी हूँ। वाह वाह। बेटी हूँ ये पता चला, सुनकर ये चेहरा उतर सा गया। वाह वाह। है जीने का अधिकार मुझे, कर लो थोड़ा प्यार मुझे। वाह वाह। कर लो थोड़ा प्यार मुझे, तू अपने गुलशन की कली मुझको बन जाने दो। वाह वाह क्या बात है। ओ अम्मी ओ बाबा। अगला बन सुनिएगा। चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ बहन जी। कि संसार की जान है बेटियां,
इस संसार की जान है बेटियां और मानव जाति का अभिमान है बेटियां, जो देती नया जीवन, और बेटियां नहीं तो कुछ भी नहीं, बेटियां नहीं तो कुछ भी नहीं, जो देती नया जीवन ऐसा वरदान है बेटियां, जो देती नया जीवन ऐसा वरदान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मुक्तक था आपका। और अगला सुनाती हूं आपको, पन सुने का। तेरी कोख से जन्मूंगी घर में रौनक कर दूंगी, बेटा ना हूं फिर भी मैं, बेटा ना हूं फिर भी मैं, नाम तो रोशन कर दूंगी। वाह क्या बात है। नाम तो रोशन कर दूंगी। इस पंक्ति को सुनिएगा, वो क्या कह रही है बेटी। ओ दादी मुझे देखकर ये आसमां छुआने दो। वाह क्या बात है। ओ अम्मी ओ बाबा जाने दो मुझे दुनिया में, करो भरोसा ये मुझ पर, बोझ न होंगी मैं तुम पर, करो भरोसा ये मुझ पर, बोझ न होंगी मैं तुम पर, माँ की शिक्षा दीक्षा में बढ़ूंगी मैं प्रगति पथ पर, बढ़ूंगी मैं प्रगति पथ पर, आशाओं के दीपक की जगमग ज्योत जगाने दो। आगे पंक्तियां सुनिएगा। मत समझो मुझे मजबूरी करने दो हसरत मुझे पूरी, कन्याधन होकर भी दूंगी सबको अपनापन, दूंगी सबको अपनापन, मुझे भैया की राखी का धागा ही बन जाने दो। वाह वाह वाह। ओ अम्मी ओ बाबा। अंतिम बंध है, स्वागत है। अंतिम बंध है मेरा, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। मुझे मार के मिलेगा क्या कन्या, बिन जीवन चलेगा क्या। एक प्रश्न है ये आप सबके ऊपर। मुझे मार के मिलेगा क्या कन्या, बिन जीवन चलेगा क्या, गर कन्या भ्रूण मिटाओगे, गर कन्या भ्रूण मिटाओगे तो पत्नी कहाँ से लाओगे, माँ बन कर मुझको ही ये संसार चलाने दो। वाह वाह। ओ अम्मी ओ बाबा आ जाने दो मुझे दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया।